इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है, दिनेश लाल यादव की जीत हासिल हुई है। और ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिठाई खिलाते हुए इस वक्त आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर 23 तारीख को वोटिंग हुई थी। और ऐसे में आज सुबह से जब वोटों की गिनती लगातार जारी थी तो सभी की नजर टिकी हुई थी कि किस तरीके से जीत हासिल यहां पर होती है। और एक बार फिर से कि दो उपचुनाव में प्रदेश सरकार आज जो प्रदेश सामने आए हैं उन परिणामों को लेकर के आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है और उसी का सुफल है कि दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की सकारात्मक सर्वसमावेशी व विकासोन्मुख गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अवस्थापना विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए गए हैं वह कार्य जनता जनार्दन ने हाथों हाथ लिए हैं। विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने के बाद विधान परिषद के चुनाव हुए। विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों पर विजयी हुई। विधान परिषद चुनाव के बाद दो सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में से दिनेश लाल यादव निरोवा, जो भोजपुरी के एक लोकप्रिय कलाकार हैं, उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर की सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है
कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सकारात्मक सोच, सर्वसमावेशी विकासोन्मुख तथा गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अभियान का भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभियान है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। मैं आज की इस विजय के लिए अपने दोनों प्रत्याशियों को, श्री दिनेश लाल यादव निरोवा को और श्री घनश्याम सिंह लोधी, दोनों प्रत्याशियों की विजयश्री के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके इस भीषण गर्मी में परिश्रम करके इस चुनौतीपूर्ण लड़ाई को विजयश्री में बदलने में अपना योगदान दिया, बूथ प्रबंधन के माध्यम से लोकतांत्रिक लड़ाई को, कठिन से कठिन चुनौती को भी अपने पक्ष में करने के जिस संकल्प के साथ वे पहले दिन से डट गए थे, उस के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय संगठन को, जिन्होंने इस चुनाव में पदाधिकारियों को बेहतर तरीके से लगा करके प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी के मार्गदर्शन में संगठन का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में लगकर दोनों लोकसभा सीटों पर व्यवस्थित रूप से लगा, उन सभी कार्यकर्ताओं को और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं ने, केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी मिलकर के यहां पर राज्य के अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रियों ने रामपुर में श्री सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में,
और आजमगढ़ में श्री सूर्य प्रताप शाही जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रियों ने, माननीय सांसदों ने, माननीय विधायकों ने वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए बूथ प्रबंधन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इन दोनों मंत्रियों के नेतृत्व में सभी मंत्रियों को, प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्रियों को, माननीय सांसद, माननीय विधायकों को, इन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने यशस्वी नेतृत्व